आईपीएल क्रिकेट मुंबई इंडियंस की कामयाबी के लिए दुआ करने पहुंचे रवीश कुमार। हाल ही आईपीएल क्रिकेट मैच मुंबई के इंडियंस कामयाबी के लिए दुआ करने पहुंचे रमेश ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीबनाथ की ज्यारत करके आईपीएल मुंबई की इंडियंस की कामयाबी के लिए दुआ की। मारवाड़ जंक्शन जिला खारड़ी के रहने वाले रमेश कुमार मौका मिलते ही आज सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब के दर्शन कर आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस की कामयाबी के लिए दुआ की। रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वे मुंबई इंडियंस के हैं और एक बार फिर विराट कोहली को कप्तान बनाए जाने की लिए दुआ करने के लिए आज अजमेर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मेरा नाम रमेश माली है, रमेश माली क्या है दुआ लेकर आप आए हैं? मैं यहां आया हूं कि रोहित शर्मा को वापस कप्तानी मिले और मुंबई इंडियंस टीम को जिताए। कब से साइकिल चलाते हैं आप? मैं 4000 किलोमीटर साइकिल चला दियो और जहां भी आईपीएल में मैच होते हैं हर जगह मैं साइकिल चलाता हूं। क्या दुआ है, किसको आप कप्तान जी बनाना चाहते हैं और किसके लिए आप खिलाड़ी को चाहते हैं? रोहित शर्मा जी जो इंडिया टीम के कप्तान है, अभी भी कप्तान है, इस तरीके से उनको कप्तानी हटानी नहीं चाहिए। दो मैच में जिस तरीके से उनका अपमान किया कि आप बाउंड्री पे जाओ, ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो तो महान खिलाड़ी हैं, तो उनको इस तरीके से कप्तानी हटानी नहीं चाहिए। और कौन कौन से खिलाड़ी के लिए आपके लिए दिल है? मुंबई के सब अच्छे ही खिलाड़ी है, और इस तरीके से हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उनका अपमान किया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अभी कौन सी टीम के लिए खेल रहे हो? मुंबई टीम के ही रोहित शर्मा खेल रहे हैं। और आप मुंबई टीम के लिए क्या कर रहे हैं? मुंबई टीम के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जीत की पटरी पे आए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से फिर जयपुर जाएंगे, जयपुर में मैच होगा वहाँ। करीब कितने किलोमीटर की साइकिल दौड़ चलाते हैं आज? तो मैं साइकिल पूरे अजमेर में सुबह से अभी तक साइकिल ही चला रहा हूँ। अभी कहाँ से साइकिल लेकर रवाना होते हैं? अभी जयपुर में ही साइकिल चलाएंगे। कितने किलोमीटर की साइकिल चला चुके हैं? अभी करीबन 40 किलोमीटर चलाया पूरा दिन भर। आपका नाम? रमेश माली।